गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यूपी पॉलिटेक्निक का मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का सॉल्व करा रहा था। इसमें मैंने क्वेश्चन 1 और 2 के सारे पार्ट सॉल्व करा दिए हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 के मैं 2 पार्ट सॉल्व कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 4 के भी कोई 2 पार्ट सॉल्व कराऊंगा। पहला 3 का इसमें पार्ट दिया है ट्रिपल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 15 के प्रसार में एक्स स्क्वायर पर ज्ञात करो। तो स्वतंत्र पद होता क्या है, जिसमें एक्स की घात 0 होती है उसे स्वतंत्र पद कहते हैं। व्यापक का फॉर्मूला है dr plus 1 is equal to ncr a की पावर n minus r x की पावर r। इसकी तुलना करें जहां पर n बराबर हमारा 15 है, a बराबर x स्क्वायर है और x बराबर minus 2 upon x cube। इनका मान हमने व्यापक फॉर्मूले में रखा तो हमारा मान आ गया 15 cr x स्क्वायर की पावर 15 minus r into minus 2 upon x cube की पावर r। यहां पर हमने x की पावर r की तुलना कराने पर हमें वैल्यू जो मिलेगी 15 cr x की पावर 30 माइनस 2 आर इंटू माइनस 2 की पावर आर इंटू x की पावर माइनस 3 आर। x की पावर को दोनों में हमने बेस समान है तो गुणा किया तो आया वैल्यू हमारी 15 सी आर x की पावर 30 माइनस 2 आर माइनस 3 आर इंटू 2 की पावर माइनस आर। हमें एन सी आर x की पावर 30 माइनस 5 आर इंटू माइनस 2 की पावर आर मिला। हमें x की पावर 0 से तुलना करानी है तो मैंने लिखा x की पावर 30 माइनस 5 आर इज इक्वल टू x की पावर 0। यहाँ पर बेस समान है और दो घाते भी, उसकी तुलना करेंगे तो 30 माइनस 5 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 5 आर इज इक्वल टू 30, इसे सॉल्व करेंगे तो r बराबर 6 आ जाएगा। हम जानते हैं tr plus 1 इज इक्वल टू t, r का मान कितना आ गया 6 plus 1 यानी 7वां पद हमारा x से स्वतंत्र पद होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आ पार्ट। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, दिमाग प्रमेय का प्रयोग करते हुए समीकरण x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 में दिमाग प्रमेय का प्रयोग करना है तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 4 इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 इन प्लस i इंटू 0। अब माइनस 1 वैल्यू 2 होती है, cos पाई की वैल्यू होती है और sin पाई की वैल्यू 0 होती है। ये दोनों मान मैंने रख दिए। x की पावर 4 इक्वल टू cos, अब यहाँ पर पाई में एंगल में 2n पाई ऐड कर दिया दोनों एंगल में तो cos 2n पाई प्लस पाई प्लस i sin 2n पाई प्लस पाई। यहां पर हमने x बराबर जो पावर थी ये दूसरी साइड जाएगी तो इसकी पावर 1/4 बन जाएगी, इसलिए x बराबर cos 2n पाई प्लस पाई प्लस i sin 2n पाई प्लस पाई की होल पावर 1/4। हम जानते हैं डिमावर थ्योरम होती क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा की होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा होती है। यहां पर जो पावर है वो मल्टीपल में आ जाएगी, इसीलिए x बराबर cos 2n पाई अपॉन 4 प्लस i sin 2n पाई प्लस पाई अपॉन 4 आ गया। n बराबर 0 1 2 3 क्योंकि यहां पर पावर 4 थी उससे एक कम वैल्यू रखनी है तो 0 1 2 3 यहां पर n का मान रख देंगे। तो इसी प्रकार x 0 का मान मिलेगा cos पाई अपॉन 4 प्लस i sin पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस i अपॉन अंडर रूट 2। इसी प्रकार x1 यानी n बराबर हमने 1 रखा तो cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस i sin 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस i अपॉन अंडर रूट 2। इसी प्रकार x बराबर 2 वैल्यू जो n बराबर 2 रखेंगे तो cos पाई 5 पाई अपॉन 4 प्लस i sin 5 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 2 -1 अपॉन अंडर रूट 2। x 3 की वैल्यू जो निकालेंगे, n का मान हमने यहां पे 3 पुट किया तो cos 7 पाई अपॉन 4 प्लस i sin 7 पाई अपॉन 4 मिलेगा। तो x 3 आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस i अपॉन अंडर रूट 2। तो ये इसका फाइनल सलूशन हो गया। मैंने थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट सॉल्व करा लिए हैं। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट सॉल्व करूंगा, कोई भी इसमें 2 प्रश्न हल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आ है क्रैमर नियम से निम्न समीकरण को हल करो। समीकरण दिया है 6x plus y minus 3z is equal to 5, x plus 3y minus 2z is equal to 5, 2x plus y plus 4z is equal to 8। इस समीकरण को हमने सारणिक रूप में x, y, z के गुणांकों को रखा तो डेल्टा बराबर 6, 1, 2, 1, 3, 1, minus 3, minus 2, minus 4। इस सारणिक को हल करें तो 6 into 12 plus 2 minus 1 into 4 plus 4 minus 3 into 1 minus 6। इसे सॉल्व किया तो डेल्टा बराबर 84 minus 8 plus 5 is equal to 91 आ गया। डेल्टा की मान क्या आ गया, does not equal to 0। अब हम क्रैमर नियम अप्लाई कर सकते हैं।
इसी प्रकार डेल्टा एक्स आ जाएगा, जहाँ पर एक्स यानी सारणिक में पहला जो कॉलम था उसमें जो बराबर की वैल्यू दे रखी उसको पुटअप करेंगे तो 5 5 8 1 3 1 -3 -2 -4 इस सारणिक को हल करेंगे तो 5 × 12 + 2 - 1 × 2 20 + 16 - 3 × 5 - 20 = आ जाएगा 70 - 36 + 37 = 90। डेल्टा एक्स का मान आ गया 90। इसी प्रकार हम डेल्टा वाई का मान निकाले कि कॉलम सेकंड में 5 8 रखा तो 6 1 2 5 5 8 - 3 - 2 - 4 इस सारणिक को हल किया तो 6 × 20 + 16 - 5 4 × 4 + 4 - 3 × 8 - 10 इसे सॉल्व किया तो आपका आ जाएगा 216 - 40 + 6 = 180। डेल्टा वाई का मान आ गया 182। इसी प्रकार डेल्टा जेड का मान निकालेंगे तो थर्ड कॉलम में 5 5 8 रखा तो डेल्टा जेड 6 1 2 1 3 1 5 5 8 इस सारणिक को हल करें तो 6 × 24 - 5 - 1 × 8 - 10 + 5 × 1 - 6 इसे सॉल्व करेंगे तो 114 + 2 - 25 = 91 आ गया। मैंने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड के मान निकाले हैं और डेल्टा का मान भी निकाला तो फॉर्मूला आप जानते हैं x बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा है। डेल्टा x का मान आया था 91, डेल्टा का मान आया 91, दोनों को कैंसिल करेंगे x का मान आ जाएगा 1। इसी प्रकार y बराबर हम जानते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा, डेल्टा y का मान आया 182 और डेल्टा का मान 91 आया तो इसे कैंसिल करेंगे तो y का मान आ जाएगा 2। z का इक्वल टू होता है डेल्टा z अपॉन डेल्टा, डेल्टा z का मान आया था 91 अपॉन डेल्टा का मान 91 इसे सॉल्व करेंगे तो z बराबर आ गया 1। तो क्रैमर विधि से समीकरण को मैंने हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का भाग पार्ट है कि प्रथम सिद्धांत से x की पावर n का अवलोकन ज्ञात करो। तो माना f(x) बराबर x की पावर n, फंक्शन ऑफ x + h = x + h की होल पावर n। हम जानते हैं प्रथम सिद्धांत का फार्मूला f(x) = h(0) फंक्शन ऑफ x + h - f(x) / h। ये प्रथम सिद्धांत का फार्मूला है। तो लिमिट x x टेंड्स टू 0 फंक्शन की जो वैल्यू है x + h की होल पावर n - x x की पावर n अपॉन h। मैंने इसकी तुलना कराने पर हम फार्मूला जानते हैं लिमिट में x टेंड्स टू a x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a = होता है n a की पावर n - 1। इसमें हमें इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा तो मैंने लिमिट को ही चेंज किया x + h टेंड्स टू x x + h की पावर n - x की पावर n। यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में h था, इसमें h ऐड कर x n ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट कर दिया तो हमारी ये फॉर्म इस फॉर्म में बदल गई। इसलिए हम f(x) बराबर n x की पावर n माइनस 1 इसका फाइनल आंसर आ गया। मैंने आपको आज वीडियो में थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट दो दो कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।